हेलो फ्रेंड्स, अगर उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और अगर बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। मैं आदित्य जैन, सीए सीएससीए में सीएफए का फैकल्टी, आज आपके बीच में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देने आया हूँ रिलेटिंग टू केस स्टडी। ये वीडियो सीए फाइनल न्यू सिलेबस के सारे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, और एग्ज़ाम से पहले आप ये मैसेज जरूर समझ के जाए जो मैं आज कहना चाहता हूं। मैसेज कुछ इस तरह से है, जब भी हम कोई केस स्टडीज की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, केस स्टडीज बिल्डअप किया जाता है और उसके साथ क्वेश्चंस होते हैं, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो केस स्टडी कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मेरा एक अलग ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो आप जरूर देखें। अगर आपको केस स्टडीज किस तरह से सॉल्व करना है इसमें अगर दिक्कत है, तो आज मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देने आया हूं। जब हम केस स्टडीज की बात करते हैं, लेट से अगर हमने केस स्टडी की बात की, केस स्टडी नंबर 3 में आपको यहां पर क्वेश्चन दिया जा रहा है। ओके, अब यहां से आंसर लिखना शुरू करना है, मतलब यहां से क्वेश्चन शुरू हो गया, तो केस स्टडी खत्म हो चुका। अब हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, द फॉलोइंग इज ट्रू, हम आंसर देते हैं, फिर 3.2 पढ़ते हैं, फिर 3.3 पढ़ते हैं, फिर 3.4 करते हैं, फिर 3.5 करते हैं, फिर 3.6 करते हैं, फिर 3.7 करते हैं, फिर 3.8 करते हैं, फिर 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 इस तरह से करते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि 3.11 की इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा 3.11 की इंफॉर्मेशन बाद में दी गई हो, मतलब 3.14 में जो इंफॉर्मेशन है, देखो 3.14 में एक इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं 3.14 में एक इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, ये देखिए 3.14 में एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है 2%। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपको हैरानी होगी जानकर 3.11 में लग रहा है, तो आप बड़े ही चिंतित हो जाएंगे, मतलब आप तो क्वेश्चन तो लाइन से करेंगे ना, हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन भी बाद में दी जा सकती है। हमने पूरा केस स्टडी पढ़ा फिर क्वेश्चन करना शुरू किया, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन बाद में दिया जा रहा है, तो इसका मतलब 3.11 करने के लिए आपको 3.14 का इंफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं चीज। तो ये एक बार नहीं, एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर, तो प्लीज आप थोड़ा सतर्क रह जाइएगा जब भी आप केस स्टडीज के क्वेश्चन करेंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि उन्होंने 3.11 का इंफॉर्मेशन में 3.14 का इंफॉर्मेशन यूज नहीं किया। तो आप देख सकते हैं ये 3.11 क्वेश्चन है और 0.02 जो मैं बता रहा था वो यहां पर यूज हो रहा है, ठीक है, और पहले 2% कहीं नहीं लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कहने का सर क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप क्वेश्चन भी पूरा पढ़ लेना, और अगर आपको ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नजर आता है जो पहले यूज हो सकता है तो आपको वो यूज करना है। देखिए मैं ये जो बात बोल रहा हूं, नॉर्मली जब हम केस स्टडीज करते हैं तो हमने ये बात कभी नहीं सुना होगा कि ऐसा भी कुछ होता है, बट मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के ऊपर प्रूफ है इसका, तो मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी जानकारी ये देना चाहता हूं कि आप भी इस चीज पे थोड़ा सतर्क हो जाइएगा कि बाद की इंफॉर्मेशन हो सकता है पहले क्वेश्चन में यूज हो रही हो। तो आई होप जो मैं बात यहां पर कहना चाहता हूं वो बात आपको बिल्कुल क्लियर है, एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं और कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आपको जो मैं बताना चाहता था वो मैंने बता दिया है। फिर भी जो मैंने क्लास जब मैं करवाता हूं इलेक्टिव पेपर की, तो उसमें तो ये बात मैं बताता ही हूं, बट ये सारे स्टूडेंट्स जो क्लासेस नहीं कर रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन बहुत वैल्यूबल होगी। प्लीज अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए, टारगेट करिए इस पेपर पे। हम आपको दो पेपर पढ़ाते हैं इसमें, कैपिटल मार्केट का पेपर पढ़ाते हैं। अगर आपको क्लासेस के ऊपर कोई जानकारी चाहिए तो आप capitalmarket@aj.gmail.com में मेल कर सकते हैं, और एक हम रिस्क मैनेजमेंट की क्लास कराते हैं।
अगर इसके ऊपर आपको कोई जानकारी चाहिए तो riskmanagement@aj.gmail.com में आप मेल कर सकते हैं। तो एंड में यही कहूंगा कि आप अच्छा करें, सीए इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स देती है अगर आप सब प्रॉपरली प्लान करेंगे और प्रॉपरली अगर प्रिपेयर करते हैं तो 100% भी आप सिक्योर कर सकते हैं। सीए इंस्टीट्यूट इतनी दिलदार है कि स्टूडेंट्स को 100% भी देती है, ठीक है, फाइन। तो अंत में यही कहूंगा, लर्न मोर अर्न मोर, लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरिए, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। आई होप इस वीडियो में बताए हुए इन्फॉर्मेशन आपको काफी काम आए और आप अपने एग्जाम्स बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर करें। थैंक यू सो मच। मेरा जो बैच था काफ़ी अच्छा रहा, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ। सर की जो कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी है मैंने आज तक कहीं नहीं देखी सर की, मतलब कॉन्सेप्ट के अंदर आप कंप्लीट चैप्टर पूरा होता था, आपको पता भी नहीं चलता कि चैप्टर कब पूरा हो गया। और जब वो रिवाइज करते हैं तो मतलब इतना ईजी लगता है वो चैप्टर। आप जैसे सर ने कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करा दी है, उसके बाद भी जब दोबारा उसको स्टडी करने बैठेंगे तो बिल्कुल भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। मतलब हर कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चन होगा और कुछ 70 को आपको लेकर लिमिटेड सा वो मिल जाएगा। 70 कॉन्सेप्ट के अंदर आपका एक बेस्ट चैप्टर तैयार हो गया है। आदित्य सर के पास आने का मतलब है कि एक स्टॉक मार्केट अप्रोच, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच आप सर के प्रैक्टिकल सीखने के सर के पास आ रहे हैं आप। और स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको सीखना है, मतलब सीए फाइनल के अंदर सर से बेटर कोई हो नहीं सकता। एंड सर एक बिगेस्ट मोटिवेटर भी हैं, क्लास के अंदर सर का मोटिवेशन है, मतलब टू गुड है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू। SLM ऐसा सब्जेक्ट, इतना टफ सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग से लगा कि कैसे होगा कैसे होगा, इतने अच्छे सर ने पढ़ाया कि अब वो भी बहुत इजी लग रहा है। तो इन शॉर्ट सब कुछ कहूं, हिंस SFM, हिंस आदित्य देन सर। सर की जो लाइन है लर्न मोर अर्न मोर, वो बिल्कुल सर ने बता दिया है प्रैक्टिकली कि कैसे हम ज़्यादा लर्न करके ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, और हमने किया भी है। और सर की क्लासेस बहुत प्रैक्टिकल रही हैं और बहुत अच्छे से हमने किए हैं। थैंक यू। क्लास बहुत अच्छी थी। ये 60-65 दिन पता नहीं कहाँ चले गए, मेरे को पता ही नहीं चला। पहले सोचते जब स्टार्ट बैच स्टार्ट हुआ था सोचते थे कब खत्म होगा कब खत्म होगा, लेकिन जैसे जैसे खत्म होने लगा तो लगने लगा कि यार नहीं खत्म नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत और लग जाए 4-5 दिन और मिल जाए। तो चाहते थे कि क्लास में बैठे हम डेली, बहुत अच्छा लगता था। थैंक यू। सर की क्लास में सबसे बेस्ट, एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज वो तो सबको ही पता है, पहले आने से पहले ही पता लग जाता है। एक जो नई चीज़ हमें लगी, मुझे लगी कि ऑडिट टैक्सेशन के अलावा नई फील्ड है, ये एग्जिस्ट करती है और इसमें लोग जाते हैं, हमारे जैसे लोग जाते हैं। नहीं तो लगता था कि यार हमारे जैसे लोग नहीं है, हम जैसे छोटे शहरों से आते हैं, दिल्ली में नहीं रहते थे तो हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है, लोग इतना पैसा कमा सकते हैं एक दिन में। तो हमारे लिए एक तो सपना ही था, अब लगता है कि हम उस सपने का एक पार्ट बन सकते हैं और हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, अपने आप को वहाँ तक देखते हैं हम भी। और क्लासेस तो बेस्ट क्लासेस थे, इससे अच्छा क्लासेस आज तक कभी नहीं हुई, बहुत बेस्ट क्लासेस है। बाकी आओ तो आपको भी पता लगेगा कि क्या है। और ऑल थैंक्स टू आदित्य जैन सर, इन्होंने इतना पॉसिबल किया। थैंक यू। तुम्हारी कोचिंग जिंदाबाद होगी, मुझे इससे कोई गम नहीं और ना कोई ऐतराज है। हमारी कोचिंग जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। आदित्य जैन सर छोटी का मिलेगी। सर ने मुझे मेरे प्यार से मिलवाया, फाइनेंस का भूत मुझ पर चढ़वाया, मेडल वाइस में मेरा काउंटर खुलवाया और मुझे कंपनीज का शेयर होल्डर बनाया। अब दिन भर इन्वेस्ट करता हूँ अमाउंट और हमें जो मिलेगा हम like a waving flag, so wave your
freedom, give you fire, give you reason, take you higher. See the champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting, as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us, every nation all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all sing. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving. When I get older,